फिर बिलावल भुट्टो जो है वो इस हवाले से बड़ा दो टोक जो है बयान देते हुए नजर आए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक इस मामले में साथ नजर आएगी फेडरल के? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, आपने जो 18 अमेंडमेंट की बात की और आपने चेयरमैन साहब के भी और शेर अहमद साहब के भी उस पर बात की। देखें, इस वक्त मुल्क की सिचुएशन को आप देखें कि इस वक्त हम पूरी दुनिया, पाकिस्तान भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और यहाँ पर हुकूमत के जो तर्जुमान हैं या हुकूमत के अपने भी मिक्सअप है, क्योंकि हुकूमत के कुछ कह रहे हैं कि 18 अमेंडमेंट की बातें कर रहे हैं। अभी मैं वजीर खारजा की प्रेस टॉक देख रहा था, उसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि हुकूमत को अगर 18th अमेंडमेंट में चेंजेस करनी है तो उनको 2/3 मेजोरिटी चाहिए और 2/3 मेजोरिटी जब तक इनके साथ अपोजिशन की जमातें नहीं होती, 2/3 मेजोरिटी इनके पास नहीं आ सकती। हाँ, अगर आप देखते हैं कि 18th अमेंडमेंट में कोई चेंजेस और कोई पॉजिटिव चेंजेस हैं तो आप अपोजिशन के साथ बैठ कर, अपोजिशन के साथ डिस्कशन कर आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि कोई 100% कोई चीज़ ठीक होगी, उसमें हो सकती है बेहतरी भी हो सकती है, लेकिन बैठ कर हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप अनाउंस कर दें कि हमने ये चीज़ करनी है और हम ये करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी, जो इस वक्त इस हुकूमत के पास 2/3 मेजोरिटी मौजूद ही नहीं।